हरिओम, स्टार्ट करें भाभी। गुरु कृपा से मुझे नया नाम मिला है पिंक एनर्जी, और अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए आज स्टार्ट करते हैं शुक्राना ओम चैंटिंग विद टैपिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना ओम, शुक्राना टू, शुक्राना ओम, शुक्राना फोर, शुक्राना ओम, शुक्राना सिक्स, शुक्राना ओम, शुक्राना एट, शुक्राना ओम, शुक्राना टेन, शुक्राना 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 शुक्राना, हाथ थामने के लिए गुरु का शुक्राना, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर दुख से बचाने के लिए शुक्राना, इस मैं तन मन धन और संबंध से कुबेर के खजाने की तरह भर चुकी हूँ। चलिए अब सात बार ओम चैंटिंग करते हैं। Oh.
थम्स अप नहीं दिखे, कैसे हैं सब लोग? सब लोग बढ़िया? हाँ, सुबह मेडिटेशन करी सबने? ओके, अब स्माइल का स्वदेशी राज आने वाला है, थोड़े तगड़े हो जाइए जवाब देने में, एक्टिव हो जाइए. क्या शेयरिंग है आज हमारी? कौन शेयरिंग करने वाला है? आज आशिमा भाभी की शेयरिंग है, बट डॉक्टर शीतल करेंगे आज. विल कॉल हर आफ्टरवर्ड्स या आशिमा कर रही है शेयरिंग? आशिमा भाभी हैज नॉट जॉइंड एज येट. ओके, लेटर ऑन. कोई बात नहीं. आज वापस शुभ देह का आरंभ करेंगे. शुभ देह, इसका मतलब समझ में आ रहा है जो हम पढ़ रहे हैं? शुभ देह कैसे होगी और हमने क्यों जन्म लिया, किस भाव से हम एक बार नहीं, न जाने कितनी बार ये शरीर बदलते आए हैं, क्यों बार बार आते हैं, क्या काम करने आते हैं, लेकिन शिकायतों की इतनी गठरी भर लेते हैं कि हल्के ही नहीं हो पाते. और गुरु बार बार बता रहा है कि वही एक और उस एक से अनेक, वो एक ओंकार, वो एक शिव शिवा, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से रचा गया. फिर हम ये सब बात क्यों कर रहे हैं कि भारत मेरा देश महान है? तो सारी ही जीवात्माएं हैं, तो उनमें भी वही आत्मा, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे वो चाइना में है, चाहे वो सिंगापुर में है, चाहे वो यूएस में है, कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में. और इंसान तो छोड़ें, जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु जो भी हैं, सब में अगर कोई जी रहा है तो प्राण ऊर्जा तो उसी एक से है. फिर कैसे हमने बोल दिया कि चाइनीज प्रोडक्ट को बायकॉट कर देते हैं और अपने भारत देश को वापस सोने की चिड़िया बनाना है. बहुत ध्यान से समझना है साधना को. साधना को समझना मतलब अपने विचारों को, जो थॉट्स हमारे ब्रेन में हर वक्त बार बार चलती हैं, ये क्यों हुआ, काश ऐसा नहीं होता, काश सामने वाला जना इस हिसाब से कर देता, बस इसी का रूपांतरण है शुभ देह. कि जो विचार हमारे दिमाग में अपने आप चलते रहते हैं और कब हमारे अंदर की शक्ति को खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, हमें भी नहीं पता लगता. लेकिन जैसे जैसे गुरु की कृपा होती है, जैसे जैसे अपने अंदर के प्रकाश का आगमन होता है, वैसे वैसे पता लगता है दोष किसी में है ही नहीं. सामने वाले में कोई दोष नहीं है, वो तो स्क्रिप्ट है. क्या पता पिछले जन्म में हम भी चाइनीज थे, हम में से कोई हो सकता है चाइना में पैदा हुआ, हो सकता है हम में से कोई अमेरिका में पैदा हुआ. ये तो जैसे जैसे अपने पूर्व जन्म के दृष्टांत होते हैं तो वही जना बहुत हैरान हो जाता है.
एक जने को बहुत ज्यादा पीठ में दर्द रहता था और हर प्रकार का इलाज कराने के बाद भी उसका पीठ का दर्द जारी रहा। और नई नई शादी हुई थी, बहुत दिक्कत हो रही थी ससुराल में, बार बार बोलने में भी कि इतना दर्द रहता है, बहुत किसी के थ्रू वो मिली और बोली कि मेरे पेरेंट्स 5-6 साल से हर जने को, हर एक ऑर्थोपेडिशियन को दिखा चुके हैं, हर टाइप का इलाज करा चुके हैं, मैं बहुत हेल्दी फिट एंड फाइन, पर ये एक ऐसा सिवियर दर्द है जो मेरा जाता ही नहीं। ध्यान साधना करानी शुरू करी, उसे आराम मिला। लेकिन जैसे आप लोग सुबह कई बारी करते हैं और हम कई बारी एक यात्रा पे ले चलते हैं कि चलो अपने मिलके आते हैं कि हमें क्यों किसी से शिकायत है, क्यों हमारा हिस्सा किसी ने मार लिया, क्यों हमें बार बार कोई पीड़ित करता है, क्यों हमारे जीवन में वो कष्ट जो बार बार रूप लेकर आता है और हमारे घर वालों के, हमारे बच्चों के जीवन में अशांति पैदा करता है, क्यों। ऐसी ही एक यात्रा उसको कराई, पर उसको अकेले में कराई। वो बहुत पीड़ित थी और वो किसी से शेयर भी नहीं करना चाहती थी अपनी तकलीफ, बिकॉज़ बहुत छोटी एज में, न्यूली मैरिड, बहुत तरह की, और अभी भी मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर सकती। तो उसने जब अपनी पूर्व जन्म की यात्रा देखी तो उसमें उसने देखा कि वो किसी जन्म में टोक्यो में पैदा हुई थी, टोक्यो, और वहां पर किसी अर्थक्वेक के दौरान जब उसकी मृत्यु हुई तो जो घर का वो जो वो जैसे बचने की कोशिश कर रही थी, जो दीवार थी या जो भी चीज थी, वो उसकी पीठ के ऊपर आके गिरी और वो उस मलबे के नीचे दबके मर गई थी। तो जो सारा का सारा प्रेशर था वो उसकी स्पाइन पे आया था और वो उस स्टेट में कम से कम 15 दिन जीवित रही, लेकिन किसी को पता नहीं लगा वो जीवित है। और उसने 15 दिन वो दर्द बियर करा, 15 दिन वो उसी पीठ के दर्द में वो दबी रही, उसको कोई खोज नहीं पाया, किसी को पता नहीं लगा, उसकी आवाज नहीं गई, तो किसी को पता नहीं लगा कि वो जीवित है। और उसने 15 दिन बाद प्राण त्याग दिए। तो उसने उतने पेन में प्राण त्यागे थे और वही दर्द उसका इस बार जा नहीं। जब उसको पूर्व जन्म की यात्रा करी उसने, और उसने जब ये देखा और फिर उसको थेरेपी में बोला कि अब उसी एपिसोड को तुमने अब जला देना है, उसको वहीं पे उस एपिसोड को रीराइट करो, उस एपिसोड को जलाओ, उस भाव को जलाओ, उस यादों को जलाओ और एक नया फ्यूचर तय करो जिसमें तुम देखो कि तुम्हारे ऊपर गिरा और बहुत सारे लोग आए और उन्होंने तुम्हें निकाला और तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश करी और तुम्हारे शरीर में कोई दर्द नहीं है, लेकिन तुमने प्राण उसके बाद त्याग दिए। बस ऐसा उसने देखा 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 और उसके बाद आज तक उसको वो दर्द कभी भी नहीं, दोबारा मुड़कर वो दर्द कभी भी नहीं। शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना ओम, शुक्राना 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 शुक्राना। सब लोग समझे, शुभ देह, यानी यो यात्रा, ये जो यात्रा हम बार बार, पहले 84 लाख योनियों में, फिर ना जाने कितने शरीर धारण करके, पर क्योंकि किसी के प्रति हम शिकायत रख लेते हैं, किसी के प्रति हम द्वेष रख लेते हैं, क्योंकि हम जाकर देख नहीं सकते कि जिसने इस जन्म में मुझे इतना दुखी कर रखा है कि मेरे मन से वो बद्दुआ, वो डर, वो भय, वो जाता ही नहीं है, क्योंकि मैं जान नहीं पा रही कि वो किसी और जन्म में मैंने इससे भी ज्यादा उसको पीड़ित किया था। और इसलिए जब मैंने ये शरीर धारण किया, उससे पहले खुद ये स्क्रिप्ट लिखी, और जिस समय मैंने स्क्रिप्ट लिखी उस समय मैं इतने शुद्ध भाव में थी, उस समय क्योंकि मैं शरीर में नहीं थी, उस समय ना मैं आदमी ना औरत, ना शरीर ना कुछ और, केवल और केवल कर्मों की यात्रा देखी।
और उस कर्मों की यात्रा से मुक्त होने का तरीका एक ही बताया, उस प्रकाश ने, उस ज्योति ने जिसमें से मेरा जन्म होना था, कि सबको जिस हिसाब से तूने जिसके साथ अच्छा किया उससे अच्छा ले ले, जिसके साथ बुरा किया उससे बुरा ही तुझे सहन करना पड़ेगा। पर उस समय मुझे दुख, दर्द, हंसी, खुशी कुछ नहीं पता था, जैसे कि बहुत लोग डिस्कस कर रहे कि सुशांत राजपूत इतनी सक्सेस के बाद अगर इसने आत्महत्या करी, शरीर त्यागा, आए कई जनों के फोन, आप कहते हैं स्क्रिप्ट, तो कोई भी जना क्या खुदकुशी सिलेक्ट खुद करेगा? कितनी अजीब बात है, ये बात मानने वाली नहीं है कि कोई जना खुद को खत्म करने की भी स्क्रिप्ट खुद लिखेगा। कोई इंसान इतना दुख नहीं सिलेक्ट कर सकता। तो बोला, सही बोल रहे हो, बिल्कुल ट्रुथ बोल रहे हो, कोई नहीं सिलेक्ट कर सकता, क्योंकि इंसान का तो पूरे जीवन बस एक ही कोशिश रहती है, दुख नजदीक आए ना और सुख छोड़ के जाए। और अपने भी जीवन में, और जब अपना जीवन थोड़ा सा ठीक हो जाता है फिर अपने बच्चों के जीवन में, फिर थोड़े से वो बड़े हो जाते हैं तो अपने पोता पोती के जीवन में, बस इतना ही जगत है हमारा। इंसान है ना, तो सुख जाए ना और दुख आए ना, बस एक यही कामना करता है परमात्मा से। लेकिन गुरु की कृपा, उस परम पिता की इतनी कृपा कि ऐसे शुक्राने की लड़ी लगाई कि आज दुख आए तो भी शुक्राना, सुख आए तो भी शुक्राना, सांस आए तब भी शुक्राना, दर्द है तब भी शुक्राना, हर स्थिति में एक्सेप्टेंस सिखा। तो बोला, सही बोल रहे हो, कोई इंसान खुदकुशी नहीं सिलेक्ट कर सकता, सच बोल रहे हो। लेकिन इंसान ने कहां करा सिलेक्ट? जब स्क्रिप्ट लिखी तब इंसान थोड़ी था, तब तो एक प्रकाश था, एक ज्योति थी जो शरीर त्याग करके गया, और जब उसकी इच्छा हुई कि मैं इस एक प्रकाश जिसमें से हम सब निकले उसमें दोबारा से वही एक हो जाऊं, तब कार्मिक अकाउंट में पेट्रोल कम रह गया। तो जब अपने पुराने जीवन को फिरोल के देखा, मतलब पिक्चर्स देखी जब सारे जीवनों की, तो उसमें एक ये स्थिति आई जिसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा किया कि उसका हिसाब तो अपने शरीर का अंत करके ही हो सकता है। लेकिन उस समय कोई फर्क नहीं था, ना कोई सुख था, ना कोई दुख था, ना कोई गले में रस्सी बंधने में कोई दर्द था, क्योंकि उस समय वो ऐसी आत्मा थी जिसे शस्त्र काटे नागनी जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में। उस आत्मा को ना कोई खुशी थी कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, ऐसा ऐसा चयन करूंगी, इतना फेमस फिल्म स्टार बनूंगी तो बहुत फेम मिलेगा, तो बहुत मजा आएगा, नहीं पता था आत्मा को। जब कोई ऐसी दुख आएगा कि मैं उसको सहन ही नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने ही जीवन को खत्म कर लूंगा, जबकि मेरे को चाहने वाली दुनिया मेरे लिए रोएगी, नहीं पता था। समझे इस बात से, बहुत गहरा एग्जाम्पल है, परिपक्वता इसमें नहीं है, जीवन की सफलता इसमें नहीं है कि आपने कितना पैसा कमाया, कि आपने कितनी विद्या ग्रहण करी, कि आपने कितना नाम कमाया, आपने कितनी साधना करी, कितना ध्यान कमाया। परिपक्वता इसमें है कि जब स्थिति, जटिल से जटिल स्थिति आई आपके आगे, जिसमें आपको कुछ समझ नहीं आया, जिसमें आपको अपने माँ बाप बुरे लगने लग गए, अपना भाई बुरा लगने लग गया, अपनी बहन बुरी लगने लग गई, सब अपना पति, अपनी बीवी, जो अपने सगे हैं जिनके लिए जीवन जीते हैं वो दुश्मन लगने लग गए, वो जटिल से जटिल स्थिति, उसमें भी आपने अपने मन को कितना शांत रखा, कितने क्षमा भाव को जागृत रखा,
कितना शुक्राना को हमेशा अपनी सांसों में बसा के रखा, कितना ये जाना कि रात आई है, इसका मतलब दिन आने में कुछ समय बचा नहीं, क्योंकि रात आ गई तो श्योरिटी है कि दिन तो आना ही आना है। कितनी बढ़िया श्योरिटी भगवान देता है। हम कहते हैं बुरा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, बस इस लाइन को थोड़ा सा बदलिए तो वाई मी मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? और गुरु ने क्या बोला? वाओ मी, इट्स मी, वाओ आई एम द सिलेक्टेड वन। तो बुरा समय चल रहा है बोले, या ये भी बोल सकते हैं अरे वाह अब तो अच्छा समय आने वाला है, क्योंकि बुरा के बाद तो अच्छा आना ही आना है, निश्चित है। लेकिन बुरा में हमने अपने आप को क्या साध लिया? साधना वही काम आती है। यदि साधना करी हुई है, वही 30 बच्चों को कमरे में बिठाया, वही उनको बहुत ऐसी ऐसी स्थिति में से गुजरना पड़ा जहां कोई रो रहा है, कोई बिलख रहा है, किसी के दर्द हो रहा है, और वही 30 बच्चों और को बिठाया जिनको साधना आती थी। अगर आपको याद होगा कुछ समय पहले एक गुफा में बच्चे बंद हो गए थे, आई थिंक 1-2 साल पहले की बात है। निर्जला, डू यू रिमेम्बर? एक गुफा में बहुत सारे बच्चे बंद हो गए थे और आई थिंक 18 दिन वो लोग बंद रहे थे वहां पर। और जब वो गुफा का द्वार खुला, जब वो उनको फाइंड किया गया बच्चों को, आई डोंट रिमेम्बर ये कहाँ की बात है, बट ये सबके लिए होमवर्क है, ढूंढिएगा इस न्यूज को, किसी ना किसी को जरूर याद होगी, नहीं तो हमारे एंजल्स फाइंड करेंगे और उसके बारे में मैं न्यू वीडियो और न्यूज दिखाऊंगी। वो दोस्त 18 young children, जब उनके पेरेंट्स रो रहे हैं, उनके घर वाले चिंतित हैं, गवर्नमेंट चिंतित है, क्योंकि वो एक ट्रिप पे गए हैं और सडनली थाईलैंड थाईलैंड की न्यूज है, और 18 डेज आई थिंक बंद रहे थे, कुछ ऐसा था, नंबर ऑफ डेज वर देयर, है ना, थाईलैंड केव्स में बंद हो गए थे, थाईलैंड केव्स में। लेकिन जब वो 18 दिन बाद केव खुले, तो उन बच्चों में से सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कान थी और उनके जैसे शरीर में से लाइट निकल रही हो, दे वर ऑल ब्राइट। क्यों? क्योंकि उन सबको साधना आती थी, उनको ध्यान करना आता था, उनको भय नहीं लगा उस सिचुएशन में। 18 दिन बच्चे सिर्फ आंख बंद करके साधना करते रहे बिना खाना पीना के भी, वो दे वर एज गुड एज वेल फेड चिल्ड्रन। तो समझे अपनी शक्ति को, बताया है गुरु ने, अरे शरीर को जितना खाली रखोगे इसके अंदर प्रोटीन बनाने की उतनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। कल आ गई फिर से एकादशी, स्माइल ज्वाइन करने के बाद ये बड़ी टेंशन हो जाती है सबको। अभी कभी भाभी बोलती है अब मुंह बंद कर लो, मौन रख लो, कभी बोलते हैं अब खाना नहीं अंदर डालना इसलिए मुंह बंद कर लो, बस मुंह ही बंद कराने में लगी रहती है। जितना जितना ये मुंह बंद होगा, जितने जितने ये विचार शांत होंगे, हमें कोई पीड़ित नहीं कर रहा। हम अपने आप को ही उसी बात के लिए हजार बारी सजा देते हैं, दूसरे ने तो हमें एक बारी सजा दी, दो बारी दी, पर हम अपने आप को माफ नहीं करते। बार बार उसी बात को याद कर करके, मेरे साथ माफ नहीं करूंगी, माफ नहीं करूंगा, करते करते अपने अंगों को तेजाब 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 से नहलाते रहते हैं। इसीलिए गुरु आया है शुभ देह करने। तो समझ लीजिए अच्छे से कि जो स्माइल स्वदेशी राज, इसको जो इसमें जो भी काम करेगा उसने पूरी दुनिया के किसी भी जीव से घृणा नहीं करनी, कोई द्वेष नहीं करना, क्योंकि हमारे देश में पैसा आ जाए इसलिए उनके देश से चला जाए ऐसा कोई भाव नहीं। बात यह है कि हमारे भारत का अस्तित्व उठाना है तो दुआ करनी है कि वहां भी सारी आत्माओं को शांति मिले, के लिए दुआ करनी है, ये नहीं करना उन्होंने हमारे साथ कितना गलत कर दिया। लेकिन क्योंकि गीता में बताया कि पाप करने वाले से पाप सहने वाला ज्यादा अधिक पापी है, तो अपने साथ बस पाप नहीं होने देना। तो पाप कैसे नहीं होने देना कि अपने आप को इतना आत्मनिर्भर बनाना है कि हम अपने देश में इतनी चीजें बना रहे हैं उनका उपयोग शुरू करें। बहुत
ध्यान से साधना को और ज्ञान को समझना है। आज से इस लाइन को मिटा दीजिए जीवन से कि मेरा बुरा समय चल रहा है। हर जना ये बोले अरे तुम्हें पता है, फोन करके बताइए जिनको बता रहे हैं, बहुत टेंशन है, लॉकडाउन में ये काम बंद हो गया, वो काम बंद हो गया। बोलिए फोन करके, अरे क्या कमाल का टाइम दिखाया है, अपने आप से मिलने का समय दे दिया, और अब तो बढ़िया समय तो बस किनारे पे ही खड़ा है। अब तो उसकी प्लानिंग चल रही है कि बढ़िया समय में क्या क्या करना है। सोचिए तो सही, अगर आज हम बार बार मैं बात बोलती हूं, अगर आज हम इस गैजेट पर गुरु का ज्ञान सुन सकते हैं, तो इतनी क्षमता तो हमारे घर में है कि हमें रात की रोटी और दिन के पानी और रात की नींद की कोई फिक्र नहीं। हमारी जरूरतों ने हमें नहीं रुला रखा, हमारी तृष्णाओं ने हमें रुला रखा, और तृष्णा का तो अंत कभी हुआ ही नहीं। पूरी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी अतृप्त था, लेकिन जब परमात्मा ने आईना दिखाया कि दो दिन दिए, केवल सिर्फ दो दिन नॉकिंग, दो दिन पहले बस वैद्य बता रहा है आपके पास केवल मात्र दो दिन है जीने के लिए, तब नजरें खुली, तब ज्ञान खुला, क्या करूं पूरी दुनिया को जीत कर, अब मैं ही नहीं रखूंगा, अपनी माँ तक के पास पहुंच नहीं पाया। समझे, किससे घृणा, किससे शिकायत? आप यदि किसी से शिकायत रख रहे हैं, उसका कुछ नहीं बिगाड़ रहे, अगर बिगाड़ रहे हैं तो इस यंत्र का। अब एक कविता सुनिए संगीता जी से, कल हृदय रोम रोम भी गया उनके एक एक शब्द से, गुरु के प्रेम में कितना सुंदर रचना करी। आई डोंट नो स्माइल ग्रुप 3 में कौन कौन है, पर इतने सुंदर शब्दावली, इतना सुंदर भाव। लेकिन फिर यही हुआ, इसको फॉरवर्ड करने की बजाय लाइव सेशन में सुनेंगे इस भाव को। निर्जरा प्लीज अनम्यूट करिए। प्रकृति जी फ्रॉम अंबाला, नाम देखो क्या सुंदर मिला है, प्रकृति, पहले क्या था, संगीता। हरिओम। हरिओम। हाँ कैसे है प्रकृति? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया का मतलब क्या होता है? हर हाल में बहुत बढ़िया। हर हाल में बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बस यही है बढ़िया। जब तक हाल को बदलते रहे, तब तक हम भी बेहाल और आसपास वाले भी बेहाल। बहुत सुंदर कविता, शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ना आराम, ठीक है? हाँ जी। कल सबको याद है, कल होमवर्क मिला था कि अपने बाथरूम में अपने शीशे के आगे अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देने हैं कि दुनिया की सबसे सुंदर हसीन रचना हो तो, और जीवन में उसके बाद किसी से कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं मांगना। उसी के ऊपर लिखा संगीता ने, यानी प्रकृति ने, और प्रकृति ही बदल गई इनकी तो। चलिए बोलिए। आज फिर हुई एक नई शुरुआत, आज फिर हुई अपने आप से बात। मेडिटेशन जो एक हौवा लगता था, वो तो निकला साइंस और स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट। जाना ये तो बहुत सिंपल है, खुद से खुद को ही तो जोड़ना है। फिरते रहे। हाँ जी, हाँ जी। मेडिटेशन जिसको समझते थे बहुत डिफिकल्ट, और अब क्या निकला, वो साइंस और स्पिरिचुअलिटी का संगम। इस बात को ध्यान से समझें, क्या है ध्यान, क्या है मेडिटेशन, साइंस और स्पिरिचुअलिटी। जब साइंस जुदा हो गई तो हमारे स्पिरिट ने उसको मानना बंद कर दिया और उससे डरना चालू कर दिया। समझिए ध्यान से, जब तक हमारे रिचुअल्स, जितने रिचुअल्स फाइंड किए गए वो हमारे सुपर साइंटिस्ट ऋषि मुनीज ने फाइंड करे, लेकिन जब उन रिचुअल्स को हमने साइंस को उसकी जाना नहीं और उनसे डर डर के फियरफुल होकर मानना शुरू कर दिया, तो हमारे स्पिरिट ने उसको फॉलो करने से बंद कर दिया, रिजल्ट आना बंद हो गया। लेकिन जब गुरु ने सिंपल बताया, अरे ध्यान कुछ भी नहीं है, बस ध्यान इतना देना है किसी की बात मेरे को खा तो नहीं रही, किसी की गलती की सजा मैं तो नहीं भुगत रहा, माफ कर दिया ना, अंदर का लिफाफा खाली है ना, बाहर से खाली साबुन से रगड़ा या अंदर भी साबुन लगाई, तो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी का संगम। यस प्रकृति। हाँ जी।
जाना ये तो बहुत सिंपल है, खुद से खुद को ही तो जोड़ना है। फिरते रहे दर दर दूसरों से खुद से खुद के बारे में जानने के लिए, ध्यान से सीखा ये तो खुद को ही जानना और पहचानना है। वेरी नाइस। ऐसा हुआ संगीता जीवन में कुछ, क्या बदलाव आया? बदलाव ऐसा है कि चीजें समझ आने लग गई और थोड़ी सी ईज क्रिएट हो गई है लाइफ में। अब जो चीजें पहले बहुत बॉदर करती थी, अभी है थोड़ा बॉदर करती है, लेकिन हाँ। फिर उसके बाद उठना जल्दी आ गया हमें, उसके बाद हम जल्दी उठ जाते हैं, संभलना आ गया हमें अपना, तो उसको हम जल्दी लेट गो भी कर देते हैं। लेट गो गिरते जरूर है, हम ये नहीं कहते, मैं नहीं कहती कि हम गिरते नहीं है, लेकिन उठना अच्छा भी आ गया। हाँ जी, अभी गिरते रहना चाहिए थोड़ा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। तो जब उठेंगे फिर परमानेंट उठेंगे, पहले धीरे धीरे उठना आएगा और फिर नहीं गिरना भी आ जाएगा, है ना? हाँ, बढ़िया। फिजिकल मेंटल इमोशनल और स्पिरिचुअलिटी का की यात्रा का ये टूल मिला तो जैसे खुद को ही सवारना आ गया। मानो तो जीवन सुख ही सुख, ना मानो तो दुख का दरिया, मानो ये तो है बस खुद को देखने का ही नजरिया। वेरी ब्यूटीफुल। आज जब आंखों के सामने आईने के सामने खड़े हुए तो खुद को ही पहचानना मुश्किल हो गया। कभी ध्यान से तो को खुद को तो निहारा ही नहीं और कभी पुचकारा ही नहीं। गंगा यमुना ऐसी बही जैसे रसीली जमी सदियों से प्यासी थी। आई लव यू की झड़ी जो लगी तो जैसे ये धरती भी तृप्त हो गई। लगे रहे सबको जानने और पहचानने में, खुद की बारी तो कभी आई ही नहीं। आई लव यू जो सुनना चाहते थे सबसे, आज खुद को कहकर तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ। अपना चेहरा पराया लग रहा था, खुद से ही खुद को ही प्यार करके जैसे आज हम परिपूर्ण हो गए। खुद से ही खुद को प्यार करके, समझे सब लोग, खुद को ही खुद में डुबाना था और खुद से ही खुद को जानना था और खुद ही को जगाना था। जब तक खुद में खुदा ना पाया तो कुछ ना पाया, और खुदा को पाने के लिए खुद को ही खोदना पड़ेगा और कहीं नहीं मिलने वाला। और आई लव यू बोलकर बरसों से सूखी जमीन, बंजर जमीन में गंगा जमुना तृप्त हो गई। सोचिए कितना प्रेम। वी आर द मोस्ट यूनिकली डिजाइन गैजेट ऑफ दिस यूनिवर्स। कभी जाना ही नहीं, वेट ही करते रह गए कि कोई तो मुझे समझेगा, और खुद को ही नहीं समझे। कोई तो मुझे समझेगा और खुद कहाँ समझा अपने आप को। किसी ने बोला अच्छे हो तो मान लिया अच्छे हैं, किसी ने बोला बुरे हो तो मान लिया बुरे हैं। जिसने बोला बुरे हैं उससे लड़ते रहे, जिसने बोला अच्छे हैं उसके नौकर बने रहे कि और अच्छा बोले और अच्छा बोले और अच्छा बोले। करा क्या? यस प्रकृति। हाँ जी, शुक्राना गुरु का, हर श्वास का, गुरुवर का, सखा बनने के लिए इस कृपा का, स्माइल ग्रुप का, एंजल का, और अबव ऑल मोनिका जी आपका बहुत 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 शुक्राना। आई लव यू ऑल। सच में बहुत बहुत आनंद आता है इसमें ना। और एक चीज और मैं शेयर करना चाहूंगी अगर इजाजत है तो प्लीज। जैसे आप लोग, हाँ जी, आप मंडे से करते थे सेशन ना, सैटरडे तक, तो एक संडे हमारा फ्री हो जाता था, तो ऐसे खालीपन लगता था जैसे आज पता नहीं कोई घर में आया ही नहीं, एक स्पेशल सा एक गेस्ट हमारा मिस हो गया। तो हमने एक आपस में छोटा सा ग्रुप ही बनाया अम्बाला वालों ने और भी चंडीगढ़ वाले भी, और हम संडे को अपनी एक जूम क्लास करते हैं जिसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो, किसी को कोई चीज समझ ना आए तो हम डिस्कस करते हैं उसको, और थोड़ा और क्लैरिफिकेशन हो जाती है, छोटी छोटी मेडिटेशन और हो जाती हैं। तो एक हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है स्माइल ग्रुप के लिए। ये इतना बड़ा बन जाए, पूरा संसार ही स्माइल ग्रुप बन जाए हमारा। वेरी ब्यूटीफुल। ये बहुत बढ़िया काम किया, ये सबसे बढ़िया काम किया है। और कभी हमें इनवाइट कर लो भाई आपके ग्रुप में, कभी हम भी अटेंड करें। हम इस लायक नहीं है, ये तो हमारा एक छोटा सा एफर्ट है। बहुत बढ़िया, इस इतनी इतनी सुंदर सोच और इतना सुंदर, जैसे होता है ना कई बच्चे स्कूल में जो पढ़ते हैं और घर जाके बस उसको रिवाइज कर लेते हैं, उनको कभी भी एग्जाम की टेंशन नहीं होती, उनको एग्जाम में कभी भी नहीं होता कि हमारे यहाँ गेस्ट आ गए अब कैसे पढ़ें, मेरे को बुखार हो गया अब कैसे पढ़ें, क्योंकि वो डेली का रिविजन कर रहे हैं। तो इतवार को आप सब एक छोटा सा हवन कर रहे हैं और ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। बहुत शुक्राना।
शुक्राना गुरु को बहुत बार प्रणाम करती हूँ और आपके इस ग्रुप को सहस्त्र कोटि प्रणाम करती हूँ. वेरी नाइस. हाँ जी, आवाज चली गई है आपकी संगीता. आपको अनम्यूट करना पड़ेगा अपने आप. नहीं आ रहा, हो गया. कोई बात नहीं, हो गया. अच्छा, हां जी, मैंने कहा हमारे ग्रुप का नाम भी मैजिकल स्माइल भी है. अच्छा. और एक, हां जी, और एक दो लाइनें मैं अपने ग्रुप के लिए जरूर कहना चाहूंगी, प्लीज बोलिए. हां जी, कान्हा जी ने राधा जी के साथ सरगम ऐसी छेड़ी, शिवांशी गुरबानी ने जब स्तुति की तो पूरी प्रकृति आनंदी ही आनंदी हो गई. ये हमारे सारे ग्रुप मेंबर्स हैं, उनके न्यू नेम्स हैं इनमें ना सभी. हाँ जी, सबके लग बहुत सुंदर है. कान्हा जी की मुरली बहुत अच्छी बज रही है सब जगह. हाँ जी, हाँ जी, वेरी नाइस. अब स्माइल स्वदेशी राज को हर जगह लाना है ना. इसके लिए अपने यंगस्टर्स बच्चों को भी मोटिवेट करिए. सबके अंदर भाव आना चाहिए. और हमें निर्जना को पिक्चर्स और वो जो पेंटिंग्स थी वो भी दिखानी है. एंड वी हैव टू क्लैप फॉर ऑल दोस चिल्ड्रन जिन्होंने भेजे थे. तो कल का रखिए उसके लिए कुछ, कल या परसों. हाँ, यस, अभी कल रखते हैं. कल रखते हैं. ओके प्रकृति, वेरी नाइस, वेरी थैंक यू, थैंक यू सो मच. शुक्राना, शुक्राना. अभी एंजल की शेयरिंग ले ले लीजिए. सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें. कल जैसे रूहानी ने शेयर किया था, मेरा माइग्रेन चला गया. उसके बाद शाम को कितने जनों के फोन आए, मैसेज आए रिगार्डिंग माइग्रेन. तो सबको बहुत मदद मिलती है. फिर कई लोगों ने बताया मेरा भी ठीक हो गया, मेरा भी ठीक हो गया, बट हिम्मत नहीं कर रहे ग्रुप पे बोलने की. यस तपस्या, हरिओम. हरिओम. यस, स्माइल्स बोलते ही मुंह पर स्माइल आ जाती है. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट स्माइल्स इज डन. मेरी लाइफ 360 डिग्रीज टर्न हो गई और लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं. मतलब इतने चेंजेस, इतने मिरेकल्स की इनफिनाइट. आई वुड जस्ट लाइक टू शेयर वन ऑफ फ्यू थिंग्स. और जो सबसे बड़ा चेंज मेरी लाइफ में आया वो है पॉजिटिविटी. हर चीज में, अब हर सिचुएशन में मुझे पॉजिटिविटी नजर आती है. मतलब जैसे लास्ट ईयर मेरा बेटा बीमार हुआ, तो एक बार भी ये नहीं सोचा मेरे साथ ही ऐसा क्यों या उसके साथ ही ऐसा क्यों. ये उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट थी और शायद मेरी भी लिखी हुई. और हर समय सिर्फ एक ही शुक्राना था कि क्या कुछ हो सकता था और क्या कुछ नहीं हुआ. शुक्राना उस चीज का कि वो सब कुछ नहीं हुआ उसके साथ. फिर ऐसे ही एक और छोटा सा इंसिडेंट जिसने शायद मेरे पूरे फैमिली मेंबर्स को स्माइल्स का दीवाना बना दिया. लास्ट ईयर दिसंबर की बात है, हम लोग एब्रॉड थे ट्रिप पर और वहाँ पर वाटरफॉल पे मेरा बेटा गिर गया और काफ़ी रिग्रेस वाटरफॉल थी एंड सब ने भागना शुरू कर दिया और मैं वहीं पे खड़ी रही एंड आई जस्ट स्टार्टेड स्पीकिंग. कुछ नहीं हुआ उसको, कुछ नहीं हुआ, इज एब्सोल्युटली राइट, उसको कोई चोट नहीं आई, उसको कुछ नहीं हुआ. और बिलीव इट, जब उसको बाहर निकाला सिवाय एक छोटी सी खरोच के उसको कुछ भी नहीं हुआ. मेरे हस्बैंड कहते स्माइल्स ने तुम्हें कितना चेंज कर दिया, तुम 1% नहीं घबराई और तुम सिर्फ ही सिर्फ पॉजिटिव बोल रही थी. ये सब स्माइल्स ने सिखाया कि हम जो यूनिवर्स को कमांड देते हैं वही सब कुछ हमें हमारे साथ होता है. बाकी तो हमारी अपनी लिखी स्क्रिप्ट है. आई एम अ थायराइड पेशेंट, मतलब मैं सोचती नहीं हूँ. सो जनवरी में जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो मेरी डोज 125 mg थी, विच इज़ अ वेरी हाई डोज. एंड ही सेड कि अब आप इसको छोड़ नहीं सकते, उस डोज को, ये अब बढ़ेगी और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी. तो अगेंस्ट द डॉक्टर्स एडवाइस मैंने अपनी मेडिसिन को सीधा हाफ कर दिया, सीधा 62.5. और अप्रैल में 3 months होने थे उसका टेस्ट कराना था बट लॉकडाउन की वजह से मैं करवा नहीं सकी. सो लास्ट वीक, मतलब ऑलमोस्ट 6 months मैंने अपने आप को इसी डोज पे रखा. और जब लास्ट वीक मैंने उसको चेक कराया, माई थायरॉयड वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कोई सिम्टम्स नहीं है. मैं अब कहती ही नहीं कि मुझे कोई थायरॉयड या कुछ भी है. और अगर गुरु ने चाहा
तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर मैं इस डोज को बिल्कुल निल कर दूंगी. आई डिड नॉट गो टू द डॉक्टर अगेन फॉर द एडवाइस बिकॉज आई नो कि वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, बट मैंने अब भी उसको हाफ कर दिया. सो आई हैव ऑलरेडी रिड्यूस्ड माय डोज एंड आई गेट इट टू निल बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. स्माइल्स ने क्या सिखाया उसके लिए कुछ लाइन्स हैं, मैंने नहीं लिखी हैं, हमारे एक साधु मुनि ने लिखी हुई है, तो बट मैं वो गाना चाहूंगी. दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध कोई न बचने पाया है. अति शुभ कर्मों के आने से स्माइल्स का सेशन मिलता है, गुरुवाणी सुनने से दुख जन्म मरण का मिटता है. है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं. अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं. एंड भाभी एग्जैक्टली आप वही हो, आपकी सेल्फलेस टीचिंग्स, हमें गुरुवाणी हमारे साथ शेयर करना, हमें लाइफ कैसे जीती है कैसे जीनी है उसके लिए छोटी छोटी टेक्निक्स, सॉल्ट थेरेपी, बॉडी चार्जिंग, वाटर चार्जिंग, सोलर प्लेक्स, मतलब पूरी की पूरी लाइफ को ही मैजिक बना दिया. स्माइल्स सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. हरी ओम. गुरु का बहुत बहुत शुक्राना. कितना सुंदर शेयर करा है. सब एंजल्स ऐसे ही थोड़ी एंजल्स बनी है. कितने सारे एग्जाम देने के बाद आपका 23-24 साल का लड़का, आई थिंक 25-26 इयर्स में भी, आपकी आंखों के सामने सामने वॉटरफॉल में गिर रहा है और ऊंचाई से आप फोटो क्लिक कर रहे हैं. सामने से एक लड़का, दो लड़कों की फोटो, दो ब्रदर्स की फोटो खींच रहे हैं, वॉटरफॉल के सामने खड़े हैं, और जब कैमरे में से लेंस में से देखते हैं तो एक खड़ा और एक गायब. सोचिए, अपने ऊपर लीजिए, क्या हालत होगी सबकी उस समय. क्या कोई खड़ा रह सकता है कि नहीं वो बेटा मेरा बिल्कुल ठीक है, वॉटरफॉल में उसको कुछ नहीं होगा, ऊपर से वॉटरफॉल गिर रही है. इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं जागृति, इसको कहते हैं कि आपने साध लिया अपनी सांसों को. जब सांसों को साध लिया, ना किसी से द्वेष, ना किसी से आसक्ति, ना किसी का भय, और गलत तो होगा ही नहीं. सिर्फ सांसों को साधना है, जानना है कि मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं. आते जाते श्वास का रहे निरंतर ध्यान. बस सांस गई तो किसी के लिए कोई शिकायत तो नहीं जा रही. सांस बाहर आई तो देख लिया ना, सबको माफ कर दिया. बस इतना ही काम करना है. आते जाते श्वास पर रहे निरंतर ध्यान. मन सुधरे मंगल सधे होए परम कल्याण. हाँ मन सुधरे मंगल सधे. लगता है वो सुधर जाए, वो ठीक हो जाए, वो ठीक से बोलना शुरू कर दे, वो ठीक से बात करनी शुरू कर दे, वो काम ठीक से. अपने मन को सुधार लेंगे, जग कल्याण अपने आप हो जाएगा. देखिए कुछ पिक्चर्स, और उसके बाद आज डॉक्टर शीतल है हमारे साथ, जिन्होंने हमें बताया था कि कॉपर वेसल, तांबे के क्या क्या बेनिफिट हैं. आज वो फिर से हमें बहुत सारी नॉलेज देने आए हैं. एंड वी ऑल आर सो लकी कि इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर्स हमारे लिए समय निकाल रहे हैं. सबसे बड़े डॉक्टर आप खुद हैं अपने. आपसे बड़ा डॉक्टर परमात्मा ने बनाया ही नहीं. कल किस किस ने अपने आप को कॉम्प्लीमेंट दिया, प्यार किया. सब लग तो रहे हैं, थोड़े थोड़े से गाल लाल लग रहे हैं आज मुझे सबके. वेरी नाइस. ये सेबों से लाल होने वाले नहीं है, ये बादाम से, अंजीर से लाल होने वाले नहीं है, ये अपने आप को प्रेम करने से. किसी की शिकायत, किसी का कूड़ा अपने अंदर नहीं रखना. भाई इतनी कीमती जगह है, भगवान का घर है, इसमें किसी के लिए शिकायत नहीं. नॉट अलाउड.
जूते उतार के मंदिर में जाते हैं, इस मंदिर में जूते उतार के जाना है। कोई भी बात जाए देखना है, मिट्टी तो नहीं लगी हुई, गंदगी तो नहीं है, बदबू तो नहीं है, तो देखें एक पिक्चर देखें। नीचे एक स्क्विरल, गाड़ी में स्क्विरल है, देख पा रहे हैं इस पिक्चर में जो फेस है उसमें आईज की जगह दो आदमी है, ये और पिक्चर देखिए, इसमें जो हट है वो आंखें हैं, आदमी बनाया हुआ है, उसकी मस्टैशेस है, ध्यान से देखिए। दोबारा से देखिए, वॉट अ क्लास, वॉट अ ब्यूटी। और ये हैंड पेंटिंग्स हैं, हाथ से बनाई हुई, पेंट करी हुई है ये सब पिक्चर्स। और अब देखिए किसने बनाई है, ये देखिए ये वाली, इसमें एक इंसान का फेस है लेकिन एक बीच में बच्चा बैठा है, बुक्स उसने नोज को, मतलब किस, क्या ब्यूटीफुल डिजाइनिंग है। एंड नाउ ये देखिए जो पेंटर है, दोनों हाथ नहीं है इस लेडी के, नाम है सपना ऑगस्टीन, जो केरला में रहती हैं। अभी भी रिकॉर्डिंग पॉज्ड है ना, देखा सब लोगों ने, ओके देखे सब लोगों ने, ये पिक्चर्स देखी, पेंटिंग्स देखी, और उस जने को देखा जिसने बनाई है। क्या बिलीव करने वाली बात है, क्या हमारी लाइफ में इस लड़की से ज्यादा दुख है, सोचिए। ये लड़की, ये लेडी पूरी जिंदगी रो रो के निकाल सकती थी, इसको बहुत लोग हेल्प करते, बहुत लोग ध्यान रखते, पर दोनों बाजू ना होने को भी कमी नहीं माना। हमारी तो थोड़ा सा बिजनेस में नुकसान हो जाए तो हम भूल जाते हैं कि हमारी असली दौलत क्या है, हमारे बच्चे, हमारे घर में जो सब लोग की सेहत ठीक है। वो सोचिए कि जिसके दोनों हाथ नहीं है, वो हार नहीं मान रही जिंदगी में, और हम छोटी छोटी बात से, छोटी छोटी बात को इतना बड़ा बना लेते हैं क्योंकि परमात्मा ने झोली भर दी। और किन चीजों से, तृष्णा जो खत्म ही नहीं हुई। एक घर बना फिर लगा दो बने, एक कार आई फिर लगा दो आए, फिर लगा चार आए, फिर लगे छह आए, पूरी दुनिया घूम ले, कुछ भी कर ले, कितना कुछ देता है परमात्मा, जरा सा ले ले वापस, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अजीबो गरीब बीमारियां लगा लेते हैं, लोगों को बद्दुआ देना शुरू कर देते हैं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ, ये पागल वो पागल, वो ठीक नहीं। भूल जाते हैं तेरे अंदर बैठा परमात्मा तेरे हर कर्म की फोटो खींच रहा है। सीखना है तो सीखें, ऐसे लोगों से सीखें, दोनों बाजुए नहीं है, पर क्या सुंदर पेंटिंग, हम दोनों हाथ होते हुए भी इतनी सुंदर पेंटिंग नहीं बना सकते। तो भाव से जीवन चलता है, जैसे जैसे भाव शुद्ध होता जाएगा, व्यक्ति सीमित नहीं है, ये शरीर सीमित है पर व्यक्ति सीमित नहीं है,
वो अपनी क्षमताओं से नहीं बल्कि अपने स्वयं की दूरदर्शिता में जो अभाव है ना, क्योंकि मैं मेरे पे इतना फोकस है, दूरबीन लगा के अपनी लाइफ और अपने बच्चों पर बैठा है और पता ही नहीं कितना भव्य शक्तिशाली है तू। अनंत की शक्तियां भगवान ने जितनी अपने अंदर नहीं उतनी तेरे में डाल के भेजे, जैसे तूने अपने बच्चे में अपने से ज्यादा सुख खोजा है, ऐसे ही वो भी तो माँ बाप हैं, पर भूल जाते हैं हम लोग ये बातें। सीखें, सबसे जरूरी चीज है स्वयं को प्यार करना। स्वयं को प्यार करने का मतलब क्या? शुभ देह, उन रीति रिवाजों से प्यार नहीं करना, उन मान्यताओं से प्यार नहीं करना, उन बातों से प्यार नहीं करना जो यहां पर फिट हैं, उससे प्यार करना है जो इसको चला रहा है। कितना सुंदर लिखा प्रकृति ने, जब मैंने कविता सुनी तो दिल को छू गई। फिर एक नई कहानी शुरू हुई, फिर जब शीशे में अपने आप को देखकर आई लव यू बोला तो सूखी जमीन, बंजर जमीन में वर्षा हो गई प्रेम की। कितनी बार और दर्द खाएंगे ये सोचकर कि वो प्यार कर ले, वो मेरी बात समझ ले, मेरे बच्चे समझ ले, मेरी बीवी समझ ले, बीवी सोचे आदमी समझ ले। जब बच्चे छोटे होते हैं माँ बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं बच्चे माँ बाप को समझाते रहते हैं, ये तो दुनिया की साइकिल है, ये तो होना ही होना है। पर जब अपने आप को प्रेम करेंगे और दूसरे को क्षमा करना सीखेंगे तो शुभ देह का आगमन होगा, और वो तभी होगा जब जानेंगे कि स्क्रिप्ट मेरी लिखी हुई है। आज ही थैला खाली कर दीजिए जो भरा हुआ है भारी 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 बातों से, और देखेंगे ये जो बीपी की गोलियां खा रहे हैं ना, एक भी नहीं खानी पड़ेगी। ये तो इसीलिए खानी पड़ती है क्योंकि विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे जैसे विचार भागता है पीछे पीछे खून भी भागने लग जाता है। अब कभी चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है दोनों में, कभी विचार भाग रहा है खून उसको पकड़ रहा है, कभी खून भाग रहा है विचार उसको पकड़ रहा है। स्थिर कर लीजिए ना अपने आप को, ये जीवन तो कभी भी चला जाएगा। क्या गारंटी है इसकी कि कल हम जूम सेशन पे सारे के सारे उतने ही लोग होंगे जितने आज हैं? हो सकता है मैं ही ना हूं, हो सकता है कोई आप में से ही ना हो। आज इसी पल इसी क्षण माफी मांग लीजिए, मुंह से मत मांगिए, दिल से मांगिए। 90% वाला 90% से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। शिकायत मत रखिए। अगर शिकायत में शरीर त्याग दिया गलती से तो बहुत खराब स्क्रिप्ट लिख के लाएंगे, खुद ही लिख कर लाएंगे अगली बार। अगली बार वही धोखा आपको देना पड़ेगा जिससे भी आपने वो धोखा खाया है या जिससे भी वो पीड़ा सहन करी है, वही पीड़ा आप देंगे उस जने को आकर, क्योंकि हिसाब किताब तो ऐसे ही होगा। और कहीं ना कहीं पिछले जन्म में भी ऐसा ही हुआ था, इस जन्म में वो दूसरी सीट पे आ गया, अगले जन्म में हम उस सीट पे आएंगे, बस ये सब ही चलता रहेगा। कभी रोटी इधर से सीखेगी, कभी उधर से सीखेगी, आग तो दोनों तरफ से उसी को लग रही है। सो डॉक्टर शीतल से सुनते हैं मन को और तन को कैसे शक्तिशाली करना है। यस निर्चरा, कैन वी हैव हाँ जी शीतल, तो शीतल आप बता रहे थे कि आयुर्वेदा में तो वैसे तो इतनी सारी चीजें हैं जानने के लिए, पर जैसे कि आप बता रहे थे कि च्यवनप्राश बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, तो प्लीज हम सबको बताइए उसके गुण और क्या क्या है उसमें क्वालिटीज। हाँ जी हाँ जी, तो मैं आज आपसे सबसे च्यवनप्राश के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे कि सभी को मालूम है और सभी घरों में और बहुत काफी पुराने समय से ये एक रसायन जो है हमारे घरों में यूज होता है, तो इसको जो है ये हमारा एंशियंट हेल्थ सप्लीमेंट है एक, और आयुर्वेद के हिसाब से च्यवनप्राश को एक रसायन औषधि जो है वो माना जाता है। रसायन का मतलब होता है जो हमारे शरीर में ओज की वृद्धि करता है, और ओज का संबंध होता है हमारी इम्यूनिटी से, यानी हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होता है। और च्यवनप्राश का जो मुख्य कार्य है वो होता है हमारे शरीर में वय स्थापना। वय का मतलब होता है आयु, यानी जो आयु को बढ़ाने वाला होता है, बाय स्लोइंग डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग। तो च्यवनप्राश जो है
दैट इज यूज्ड एज एन एंटी एजिंग रसायन ऑल्सो, जो कि हमारी बॉडी में रिस्टोर करता है स्ट्रेंथ को, वाइटलिटी को और स्टेमिना को, और हमारे शरीर को जो है वो बल प्रदान करता है. क्योंकि च्यवनप्राश इट इज अ काइंड ऑफ पॉली हर्बल जैम वी कैन से. बहुत सारी लगभग 40 के करीब इसमें जड़ी बूटियां जो हैं वो डाली जाती हैं, और उनको कॉन्सेंट्रेट करके ब्लेंड करके जब ये बनाया जाता है तो ये एक रसायन औषधि बन जाता है. क्योंकि जैसे आपने बोला 40 जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, तो क्या वाकई आज के टाइम में भी उतनी ही जड़ी बूटियां अवेलेबल हैं और यूज करी जा रही हैं, और इनका कोई साइड इफेक्ट होता हो, या इनका जैसे कि हम और जो टॉनिक्स लेते हैं कहते हैं उनका साइड इफेक्ट्स भी हैं, जो एलोपैथिक हम लेते हैं, जो हम सप्लीमेंट्स लेते हैं उनके साइड इफेक्ट भी बताते हैं, कैल्शियम के भी, बहुत चीजों के जी. तो इसके भी कोई साइड इफेक्ट है, और क्या ये 40 जड़ी बूटियां आज भी अवेलेबल हैं? हाँ जी, एक्चुअली इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं थोड़ी सी शेयर करना चाहती हूँ कि च्यवनप्राश ये कब हमारे सिस्टम में आया. हमारे एंशियंट, जैसे कि हम मैं बता रही हूँ कि बहुत ही पुराना एक हेल्थ सप्लीमेंट है, तो ये देवताओं के समय से ये यूज होता आ रहा है. तो इसके पीछे जो स्टोरी है वो इस प्रकार है कि हमारे पुराने प्राचीन समय में ऋषि मुनियों के टाइम में एक ऋषि होते थे, च्यवन ऋषि. तो वो काफी जब वृद्ध हो गए तो, और कृश हो गए, लाइक बहुत वीक थे और वृद्ध थे, तो वो गए अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के वैद्य थे उस टाइम पे, ट्विन ब्रदर्स अश्विनी कुमार जो वैद्य कहे जाते थे देवताओं के, उनके पास गए. और उन्होंने, ऋषि च्यवन ने बोला कि मैं फिर से यंग होना चाहता हूँ. तो फिर इस फॉर्मुलेशन की, तो अश्विनी कुमारों ने ये च्यवनप्राश जो है वो फॉर्मुलेशन तैयार की, और इसके लिए उन्होंने जो है इसको इन्वेंट किया. और इसमें जो जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि आप पूछ रहे हैं, 40 के करीब जड़ी बूटियां, जिसमें कि अष्ट वर्ग की मेन जो थी उस समय, ढूंढ ढूंढ कर जो हिमालयन रीजन में पाई जाती थी, उनको ढूंढ ढूंढ कर फिर उसमें डाला और इस फॉर्मुलेशन को तैयार किया. तो जिसके की सेवन करने से च्यवन ऋषि जो है वो पुनः यंग हो गए, और उनका शरीर जो है वो स्ट्रांग हो गया, क्योंकि वो पहले बहुत वीक थे और वो उन्होंने अपने बल को फिर से प्राप्त किया. तो उसी समय से ये जो है च्यवनप्राश ये यूज होता आ रहा है. राजा महाराजाओं में भी यूज होता था और हर घर में एज अ नेचुरल हेल्थ सप्लीमेंट, जिसमें कि जैसे कि मैं बता रही हूँ कि सारी जड़ी बूटियां हैं अभी भी डाली जाती हैं 40 के करीब, लेकिन जो अष्टवर्ग की औषधियां हैं वो अभी थोड़ी सी ये लुप्त होती जा रही हैं. इसकी जगह पे और जो है, जैसे कि हमारी चतुर्जात है, दशमूल औषधियां हैं, जिसमें कि वृहत पंचमूल और लघु पंचमूल, इसके अलावा गिलोय है, शतावरी, नागकेसर, तुलसी, ये सब जो बहुत सारी अब मैं बताने लगूंगी तो 40 के 40 जड़ी बूटियां मैं आपको बता सकती हूँ. गर्मियों में लिया जा सकता है, बिकॉज कहते हैं ना सर्दियों में लेते हैं च्यवनप्राश, सो जी बिल्कुल बिल्कुल लिया जा सकता है. क्योंकि इसमें च्यवनप्राश में जो मेन इंग्रेडिएंट है वो आंवला रहता है. आंवला विच इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वाइटामिन सी, और आंवला जो है वो शीतवीर्य होता है और पित्त शामक होता है. तो बिल्कुल गर्मियों में, ये एक मिथ है कि गर्मियों में इसे नहीं लेना चाहिए, गर्मियों में बिल्कुल ले सकते हैं. जो बाकी औषधियां भी डली होती हैं, जो हर्ब्स होती हैं, उनको ये बैलेंस करता है जो आंवला होता है, क्योंकि ये इसका कंटेंट सबसे ज्यादा होता है. तो कोई मतलब वाटर के साथ, दूध के साथ, या मतलब क्या और किस टाइम? हाँ जी, च्यवनप्राश को मेनली जो है वो सुबह के टाइम ले, ब्रेकफास्ट से पहले आधा एक घंटा पहले, और 5-10 ग्राम्स ऑफ च्यवनप्राश, यानी एक बड़ा चम्मच च्यवनप्राश का डेली नियमित रूप से अगर सेवन किया जाए तो ये बहुत ही हेल्पफुल होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको सीजन चेंज होने पर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिनको जैसे कि अस्थमा की प्रॉब्लम है या साइनस का प्रॉब्लम है, कफ कोल्ड जल्दी जल्दी होता है, किसी किसी को टॉन्सिलाइटिस जल्दी जल्दी हो जाता है, यू नो लंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब लोगों को भी, और बाकी सब हर एज में, हर एज ग्रुप में, बच्चे से लेकर एडल्ट्स को, यंगस्टर्स को, बुजुर्गों को, सभी को च्यवनप्राश का डेली नियमित रूप से सेवन करें,
तो बहुत ही लाभदायक होता है, और मॉर्निंग टाइम पे ही ले तो ज्यादा अच्छा है, और दूध के साथ भी ले सकते हैं और पानी के साथ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हाँ दूध के साथ ही लेना है। हाँ जी, और एक ये कौन सी कंपनी का थोड़ा सा गाइड करेंगे कि कौन से ब्रांड का लें, कौन सी कंपनी का लें? हाँ जी, एक्चुअली च्यवनप्राश जो है ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस होता है बनाने का, तो जब ये शास्त्रोक्त विधि से बड़ी अच्छी तरह से पूरे टाइम के साथ बनाया जाता है, तो वही पूरी शास्त्रों में जो विधि लिखी हुई है तभी अच्छा बनता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत ही अच्छी जो रिनॉन कंपनी है, जैसे कि आई विल नॉट प्रमोट एनी कंपनी, बट जैसे डाबर है, बैद्यनाथ है, ये सब जो कंपनियां हैं, इनका झंडू है, इनका जो होता है वो च्यवनप्राश ठीक होता है, क्योंकि इसमें आंवले का चयन पहले, क्योंकि इसमें बहुत सारे द्रव्य डलते हैं, जैसे मैंने बताया 40 जड़ी बूटियों में इसमें आंवला होता है, देसी घी भी डलती है, शक्कर भी डलती है, तिल का तेल डलता है, बहुत सारी जो चीजें हैं, तो उनको देखना कि उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो वो सब चीजें ध्यान में रख के जो है च्यवनप्राश को कि फिर धीमी मतलब बिल्कुल धीमी आंच पे आंवले को भूना जाता है, पीठी बनाई जाती है, और फिर सारी जो जड़ी बूटियां उनका कपड़ छान चूरन जो है वो करके उसमें काफी लॉन्ग प्रोसेस रहता है, तो जो कंपनीज अच्छा बनाती हैं तो वो मतलब पूरी रिनॉन कंपनी का ही लेना चाहिए, मतलब ऐसे लोकल नहीं खाना चाहिए। पतंजलि का, पतंजलि इज आल्सो वन ऑफ द गुड कंपनी फॉर, हां जी हां जी, पतंजलि इज ऑल आर गुड कंपनीज आई नो। और एक चीज बताइए शीतल की, जो जनरली इस तरह की चीजों को बोलते हैं ना खाली पेट लेने के लिए, तो खाली पेट लेने का क्या रीजन है? हां जी, ये क्योंकि ये एक फूड सप्लीमेंट है अपने आप में, एक प्रॉपर डाइट है च्यवनप्राश हम कहते हैं। अगर इसको लाइक 10 to 20 grams इवन दो बड़े चम्मच भी अगर सुबह मॉर्निंग में मिल्क के साथ ले लें तो इट इज अ कंप्लीट डाइट आल्सो। तो इसीलिए कहा जाता है कि खाली पेट जब लेते हैं तो जो इतनी सारी हर्ब्स हैं दे आर ऑल having antioxidant properties, adaptogenic है और immune booster properties है, तो वो सारी body को strengthen करती हैं और rejuvenate करती हैं, जैसे कि मैंने बताया anti-aging है, aging को reverse कर देती हैं, तो सारी जो है खाली पेट लें तो ज्यादा फायदा करता है, और दूध के साथ लें तो ज्यादा फायदा करता है। लेकिन कई लोग दूध नहीं पीना चाहते या जो लोग दूध से नहीं लेना चाहते, तो ये मिथ है कि सिर्फ दूध मतलब इसको पानी के साथ नहीं लिया जा सकता, तो ऐसे भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ जी, और हाँ जी, तो एक मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसको लेने का तरीका ये है कि च्यवनप्राश को हमेशा चाट लाइक चम्मच में लेके धीरे धीरे कंज्यूम करना चाहिए, चाट के लेना चाहिए। कई लोग ऐसे खाएंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। इसका प्रॉपर यूज तभी होता है जब थोड़ा धीरे, क्योंकि अवलेय फॉर्म में होता है ना, अवलेय का मतलब यह है कि जब हम जीवा से टच करते हैं और धीरे धीरे इसको कंज्यूम किया जाए, अच्छा। तभी इसका पूरा फायदा होता है। और हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत अच्छा आपने ये बताया हमें, बिकॉज आज के टाइम में इम्यून सिस्टम पे तो वर्क करना सबसे जरूरी काम है, क्योंकि सबको पता ही लग गया है कि जो वायरस है कोविड है वो हटाया नहीं जा सकता एकदम से, लेकिन अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है तो फिर वो इतना कोई चैलेंजिंग भी नहीं है। इज इट राइट शीतल? जी जी बिल्कुल, क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट ने भी जो गाइडलाइंस हमें दी हैं ड्यूरिंग टू फाइट अगेंस्ट कोरोना, तो उसमें भी यही है कि हम अपनी इम्यूनिटी को इंक्रीज करें, वो भी स्पेशली अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और लंग्स को कैसे स्ट्रांग बनाएं, तो वो उसमें भी उन्होंने गाइडलाइंस में बोला है कि हर व्यक्ति को 10 ग्राम च्यवनप्राश का सेवन जो है वो डेली जरूर करना चाहिए, और इसको करने से हम अपनी बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, ताकि अगर पहली बात तो हमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो, लेकिन अगर वो भी गई तो हम उससे जल्दी जो है वो बाहर निकल आएंगे, क्योंकि अगर हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो फिर हमें कोई भी जो डिसीज है वो कोई भी चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है वो हमारी बॉडी में ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। तो लाइक वी हैव टू मेक आवर बॉडी आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, एंड इसके ऊपर रिसर्च भी हुई है च्यवनप्राश पे बहुत सारी, और एक NCBI करके है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन,
उसके अकॉर्डिंगली जो है उसमें जब रिसर्च पेपर जो है सबमिट हुआ तो उसमें च्यवनप्राश को एक टर्म दिया गया है दैट इज कॉल्ड न्यूट्रास्यूटिकल. न्यूट्रास्यूटिकल इज द टर्म गिवन टू च्यवनप्राश विच मीन्स दैट इट इज अ फूड और अ पार्ट ऑफ फूड दैट प्रोवाइड्स मेडिकल हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग द प्रिवेंशन एंड द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसीजेस. तो जैसे कि आपने कहा पहले आपने पूछा था कि इट इज अ फूड यू नो फूड पार्ट ऑफ फूड और अ कंप्लीट फूड आल्सो. ओके ओके हाँ जी ओके. थैंक यू शीतल, थैंक यू फॉर योर अवेयरनेस. और आप तो बार बार आते रहा करो ताकि हमें ये अपने आयुर्वेदा विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट आयु का वेदन करना है, भेद जानना है कि इस आयु को कैसे निरोगी काया के साथ जीना है. रोग के साथ जीना कोई जीना नहीं है. बहुत सारी बीमारियां पाल ली, बहुत सारी घृणा पाल ली, बहुत सारी शिकायतें पाल ली और शरीर को भी तंग और मन को भी. तो शरीर को अगर हम स्वस्थ करेंगे अपने ये जो सप्लीमेंट्स हैं, जो सिंपल सिंपल हमारे आयुर्वेद ने कितना काम किया जड़ी बूटियों से. ये शरीर भी जड़ी बूटियों का बना हुआ है, नेचर से बना है और नेचर की चीजें ही उन्होंने डालना इसमें बताया. शीतल आपका बहुत बहुत थैंक्स, आपने हम सबको ये अवेयरनेस दी. और मैं रिक्वेस्ट करूंगी सबसे ये ना सोचे कि हमें टेस्टी नहीं लगता, कोई कहता है हमें ऐसा नहीं अच्छा लगता, तो क्या इलाज कराना अच्छा लगता है, क्या इंजेक्शन लगवाने अच्छे लगते हैं, क्या दवाइयां मीठी होती हैं, क्यों नहीं हम कार को बाद में रिपेयर कराएंगे उसकी जगह हम क्यों ना कार को इतना संभाल के चलाएं कि कार में डेंट पड़े ही ना. जैसे हम अपनी कार को संभाल के चलाते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, तो इस वाहन को भी बहुत ध्यान से चलाना है. सबसे पहले गुरु आता है, इसमें मन का इलाज करता है. ये मन जिसने हमें बिना मतलब के जगह जगह टक्कर मारना सिखाया था, कभी इसके अंदर टक्कर मार दो, कभी उसके अंदर टक्कर मार दो, वहां से गुरु ने रोक दिया हमें. लेकिन शरीर को भी स्वस्थ रखना है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो वो मन को भी कंट्रोल कर पाएगा. शुद्ध देह शुरू करते हैं. तुम्हारा दर्शन आवश्यक है. यदि तुम अपने परिणाम मान्यताएं विचार अनुभवों का परीक्षण करते रहोगे तो ही तुम्हें आंतरिक रूपांतरण का अनुभव होगा. यदि तुम अपने, ध्यान से सुनिए, दूसरों के नहीं अपने परिणाम मान्यताएं विचार अनुभव का परीक्षण करते रहोगे, चेक करते रहोगे. कल मुझे इस बात पे क्रोध आया, क्या इतनी देर क्रोध आना चाहिए था? अक्सर हम क्रोध करने के बाद भी समय बाद में इसी बात में निकाल देते हैं, दूसरे ने क्या जवाब दिया, उसने ऐसा क्यों नहीं समझा, उसने वैसा क्यों. अपने ऊपर निरीक्षण परीक्षण करने का समय नहीं है. सुगुरु बोल रहे हैं सबसे ज्यादा VVIP कोई दुनिया में है तो तुम खुद हो, उसके साथ समय लगाओ, अपना परीक्षण करो, अपनी चेकिंग करो. एक संत से पूछा गया कि आप इन सभी बुराइयों से किस तरह बचकर रह पाए. एक संत से किसी ने पूछा आप इन सब बुराइयों से कैसे बचकर रह पाए. संत ने उत्तर दिया कि जिस दिन तुम्हें वे बुराई दिखने लगेगी तुम भी उससे छूट जाओगे. पहली बात तो है बुराई अपने में दिखना, क्योंकि जिंदगी भर तो दूसरों में देखते रहे. और गुरु ने आकर बता दिया भाई ये बुराई तो पीठ की तरह है, दूसरे की ही दिखेगी. अब मैं आया हूं तेरे चारों तरफ शीशा लगा दिया मैंने, चारों तरफ से बस तू अपने आप को ही देख सकता है. इधर से भी अपना वस्त्र झाड़ ले, उधर से भी झाड़ ले, अपने आप को चमकीला कर ले, यानी शुभ देह कर ले. तो यदि तुम्हें बुराई नजर आने लग जाए, और अक्सर मैंने स्माइल में जब भी इंटरेक्शन करी है तो सबसे पहली बात यही सुनी है, सबसे जो सबसे पहला चेंज सब में सुना है वो ये है अपना, हमें लगता है कि गलती हमसे ही हुई थी. इतनी आसानी से, इतने सहज भाव से ये बात बोलते हैं. पहले घर के 10 जने भी बोल रहे होते थे तो क्रोध आता था, बस हमारे अंदर ही गलती ढूंढते रहते हैं. और अब खुद ही इतना आनंद आता है बताकर, बस यहाँ इतना मात्र दिखने लग गया मतलब शुभ देह शुरू हो गया, काम शुरू हो गया. एक मकान को बनाना शुरू करते हैं, एक एक करके ईंट रखते हैं तो धीरे धीरे मकान बन ही जाता है. लेकिन कोई सोचे पूरा ही मकान मुझे एकदम से बन के नजर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, वो धीरे धीरे ही होगा.
और मकान बनाने के लिए सबसे पहले उसकी नींव धरने के लिए खुदाई करनी पड़ती है। तो अपने अंदर खुदाइयां करनी पड़ती हैं अपने पुराने पुराने भावों और स्वभावों को निकालने के लिए। संत ने उत्तर दिया, जिसके घर में आग लगी हो वह यह नहीं पूछता कि बाहर कैसे निकलूं। जिसके घर में आग लगी हो वो यह नहीं पूछता बाहर कैसे निकलूं, वह तो बस कूद जाएगा। और हम क्या करते हैं, आग लगी होती है और बस यही चीखते चिल्लाते रहते हैं, देख तेरी वजह से आग लगी है, ये नहीं देख रहे कि हम जल रहे हैं, पर ये ढूंढते रहते हैं आग किसने लगाई। वहां से कूदने का समय है, कूदेंगे नहीं, पर इस चीज से बहुत खुश हैं, ये जान लिया ना किसकी वजह से लगी तो बहुत खुश हैं। अरे आग से कूद जाओ ना बाहर, किसने कहा है आग में रहने को। शिष्टाचार व नियमों को जानने के लिए बैठा नहीं रहेगा, परंतु वे छलांग लगाकर बाहर ही निकल जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं, कहते हैं साधना करके बहुत आराम मिल रहा है, बड़ा सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन अब अचानक से ना बहुत गुस्सा आने लग गया वापस, बहुत परेशानी हो रही है, और अब गिल्ट भी हो रहा है कि गुरु से सुन लिया गुस्सा नहीं करना, पहले तो नहीं कर रही थी, ठीक चल रहा था, अब वापस क्रोध आ रहा है, वापस बेचैनी हो रही है। समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, किचन में जब खाना बनाते हैं ना, तवा गरम होता है, उसको ठंडा करने के लिए जब थोड़े से जल के छींटे मारते हैं तो श्यू 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 करके बचता है, फिर थोड़ा सा और गीला करते हैं और धीरे धीरे वो शांत होता चला जाता है। तो अभी क्योंकि गुरु के वचन पूरे पक्के नहीं हुए हैं और क्योंकि तवा वापस किसी वजह से गर्म हो गया, उसको ठंडा करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि अब साधना आ गई, अब ज्ञान आ गया, तो थोड़ा सा शोर मचा रहा है, पर विश्वास रखो शोर मचा रहा है यानी ठंडा होने का प्रोसीजर शुरू हो गया, ठंडा हो जाएगा। पहले क्या करते थे, तवा करना है ठंडा और गैस को बंद करने की बजाय एक बर्नर क्या दूसरा बर्नर भी लगा, एक तो दूसरे ने लगाया ही हुआ है बर्नर जिसकी वजह से तवा गर्म हो रहा है, और अपना बर्नर भी साथ में लगा दिया, और फिर चिल्लाते थे अरे ये तवा कैसे शांत होगा, किसने चलाया, तुम्हारी वजह से, तुम जब तक बोला तू 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 तब तक परमात्मा नजर ही नहीं आया। जब अहंकार किया मैं का तो बन गया बकरी, लेकिन जब गलती नजर आई और बोला बस मेरी ही है मेरी ही है, तो समझ शुभ देव का हो गया। जैसे कुछ चीजें होती हैं और ये हमारे आयुर्वेद और योगा में ही होती हैं, कोई योगा करेगा, योगा करने के लिए जाएगा, योगा इंस्ट्रक्टर को बोलेगा मेरा वजन बहुत ज्यादा है, वो बोलेंगे आओ योगा करो कम हो जाएगा। कोई बहुत पतला होगा, डंडी सा होगा, खाना पीना बहुत खाएगा लेकिन वजन ठीक हो ही नहीं रहा, वो भी जाएगा योगा इंस्ट्रक्टर के पास और वो बोलेगा कि बहुत पतला, वो बोलेगा योगा करो ठीक हो जाएगा। जो सामने तीसरा जना बैठा है वो बोलेगा अरे बेवकूफ बना रहे हो, अभी वो मोटा आया था उसको बोल रहे थे पतला हो जाएगा, अभी पतला आया उसको बोल रहे हो मोटा हो जाएगा, ऐसे कैसे हो सकता है। पर ऐसे ही होता है, मैं बोलना गलत नहीं, पर मैं कहां बोलना है ये जानना है। गलती हुई तो मेरी, बढ़िया हुआ तो उसने किया, और हम क्या करते हैं, बढ़िया हुआ तो मैंने किया, गलती हुई तो उसने करी, बस वहीं पे कर्म बन गए, वहीं देह में गंदगी, वहीं इम्प्योरिटीज, वहीं कंटामिनेशन शुरू हो गई। अपने अनुभवों के प्रति जागृत रहने से अपनी अज्ञानता तथा मूर्ता प्रकट होती है। अपने अनुभवों के प्रति जागृत रहने से अपनी अज्ञानता तथा मूर्ता प्रकट होती है, और जिस व्यक्ति को अपनी अज्ञानता दिखाई देती है उसके जीवन में ज्ञान की पहली किरण प्रकट होती है। बस अपने ही अनुभव को और अज्ञानता को देखना शुरू कर दो, जब तक दूसरों की अज्ञानता को देखोगे तभी ज्ञान प्रकट ना होगा। जब तुम्हें दिखाई देगा कि यह गड्ढा है तभी तुम्हारे बचने के यथार्थ प्रयत्न शुरू होंगे। जब भी तुम्हें दिखाई देगा यह गड्ढा है
उसके पहले कोई लाख बार क्यों ना कहे, उससे क्या होगा। खुद ही अपने अनुभव से उस गड्ढे को जानना है, तभी गड्ढे से बचना आएगा। कोई कितना ही सचेत कर दे, कोई कितना ही बोल दे, नहीं समझ में आएगा। गड्ढा है क्या? ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा कमाया हुआ है, ये मेरा पोता है, ये मेरी जहां पर मेरा मेरा मेरा, एक गड्ढा दूसरा, एक गड्ढे से निकले तो दूसरे में गिर गए, दूसरे से निकले तो तीसरे में गिर गए। सिर्फ एक बात याद रखिए, जब इस दुनिया में आए थे बिल्कुल अकेले, और अकेले भी कैसे आए, तन पे एकमात्र बिंदु भी नाम का कोई कपड़ा नहीं था, कोई चेन नहीं, कोई नाम नहीं, कोई बिंदी नहीं, कोई चश्मा नहीं, कोई बालियां नहीं, कुछ नहीं। और जब चाहेंगे तब भी बस ऐसे ही चले जाना है। तो मेरा बोल किसको रहे हैं जीवन भर, ना लेके आए ना लेके जाना है, मेरा बोल किसको रहे हैं। तो कोई चला भी गया, कोई चीज आई, परमात्मा ने दी थी और अब समय आने पर मुझसे ले भी ली, तो रोना धोना किस बात का भाई, किस बात का। कितनी बार होता है हम बच्चों को कुछ देते हैं और उसमें से मान लो मैंने 5,000 रुपए दिए बेटे को और फिर बोला 1,000 रुपए बेटा जरा दे दो, जैसे ही जेब में गए अभी उसके हो गए। कितना दर्द होता है देने। आप 4,000 देते, उसको दर्द नहीं था, उसको दिक्कत नहीं थी कि 4,000 क्यों दिए, लेकिन 5,000 दे के जब 1,000 मांगोगे ना, खुद भी चेक करो अपने साथ आज तक होता है, इतने बड़े हो गए नहीं आए, नहीं आए कोई बात नहीं, लेकिन किसी ने दे दिए और पता लग गया ये मेरे पैसे हैं, और उसके बाद कोई बोले अरे नहीं ध्यान नहीं रहा। जैसे देखे लेडीज को कितनी किट्टी डालती हैं, और अचानक से 6 किट्टी के बाद कोई बोलते अरे तुम्हारी ना पिछली किट्टी की पेमेंट ड्यू, मैंने देनी है। कितना मजा आता, याद नहीं था, बिल्कुल भी याद नहीं था। और पहले बोल रहे हो नहीं नहीं मुझे तो ध्यान भी नहीं है, दूसरा जना बोल रहे नहीं भाई मुझे तो याद है क्योंकि मैंने देना है। बड़ा मजा आया, अभी किट्टी निकली है 1,00,000 रुपया मिल गया, अभी उसको कितने दिए थे 2,000 रुपए, उसने कितने दिए 2,000, वैसे अब अपनी खुद की किट्टी निकल गई 1,00,000 रुपए मिल गए, बड़े मजे आ रहे। इतने में कोई आती, अरे तुम्हें याद है तुम पिछली बार बीमार हो गई थी, 2 महीने आई नहीं थी, तुम्हें ना 5,000 रुपए उसके देने हैं, किट्टी के 5,000 रुपए। ओहो, पर्स का बटन खुलने में जो हृदय में पीड़ा, जो दुख और दर्द, एक तरफ से रखना नहीं चाहते किसी का पैसा, एक तरफ से अंदर से शुक्र मना रहे हैं भाई किसी का पैसा नहीं रखना, लेकिन क्योंकि अब ये पर्स मेरा, इसके अंदर का 1,00,000 रुपया मेरा, और मैंने बोल दिया ये मेरा, उसके बाद किसी को देने में, छोटी छोटी चीजों पर, जहां मैं आया समझो कांटा आ गया, दर्द आ गया, बस इसी को गुरु हटाता है, तभी सबके नाम बदलता है। कितना सुंदर नाम प्रकृति, अरे प्रकृति जो हो जाएगा वो तो देगा देगा देगा, उसको तो लेना ही नहीं आता, उसको लेना आता ही नहीं। तुम्हारी समझ में जब तुम्हें दिखाई देगा कि यह गड्ढा है, तभी तुम्हारे बचने के अर्थात प्रयत्न शुरू होंगे। उसके पहले कोई लाख बार क्यों ना कहे, उससे क्या होगा। तुम्हारी समझ में वह बात आनी आवश्यक है। यदि तुम्हारी समझ में ना आए तो लाख उपाय कर लो, लाख पुस्तकें पढ़ लो, लाख भजन कर लो, लाख हवन कर लो, वह किसी काम का नहीं, बल्कि उसका एक बोझा और चढ़ जाएगा। उत्तम ग्रंथों की प्राप्ति होने के उपरांत उनकी उत्तम सीख तुम्हें उत्तम नहीं बना सकती। ग्रंथ कितना ही रट लो, सबको रटे हुए होंगे, हनुमान चालीसा, कोई दुर्गा चालीसा, जो जिसका जो भी, कोई गुरु नानक जी का पाठ, सबको रटे होंगे। बजाओ मिर्चना, प्लीज पूरा बजाया करो। Thank you.
धर्म धर्म तो सब कहें, कितने प्रेम से आके बोलेंगे। मैं ना भगवत गीता का पाठ कर रही हूँ, आपको पता है मैं 50 बार ही पाठ कर चुकी हूँ। मैं ना रोज मंदिर जाती हूँ, मैं ना ये नियम करता हूँ, मैं इतनी माला फेरता हूँ। माला क्यों फेरना बताया था? इट वॉज प्योर एंड प्योर साइंस, साइंस साइंस साइंस, सांसों के साथ मन के को फेरना था, मन के को थोड़ी फेरना था, मन के को फेरना था। पर मन का फेरा नहीं, और माला गिन ली, 108 माला कर ली, 1000 माला कर ली, उसका भी अहम अहम अहम। धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न समझे कोई। समझा कहाँ धर्म को, धर्म तो था परमपिता परमात्मा ने ये शरीर दिया है, और वो हर पल हर क्षण हर समय मेरे जीवन में मेरे से जितनी भी भूल हो जाए बड़ी शांति से माफ कर रहा है। ये है मेरा धर्म, और मैं किसी की एक भूल भी नहीं भूलता, ना माफ करता ना भूलता। धर्म धर्म तो सब कहें, धर्म न समझे कोई। निर्मल मन का चरण सत्य धर्म है सो, निर्मल मन का चरण, निर्मल मन जिस मन में कोई मल ना हो, जिसका ये आचरण है, जिसका ये धर्म है, जिसका ये गुण है, उसके मन में किसी के प्रति कोई मैल नहीं। निर्मल मन होवे तारब मिलता। रब माला फेरने से, घंटी बजाने से, दान पुण्य करने से नहीं मिलेगा। ढूंढ तो लिया कितना, नहीं मिलेगा। लेकिन जब मन निर्मल हो जाएगा तो वो प्रकट हो जाएगा, और ढूंढना नहीं पड़ेगा, कभी नहीं मिलेगा ढूंढने से। वो तुझे ढूंढ रहा है हर पल। अरे कितना सच्चा, कितना पावन, कितना सुंदर बच्चा मैंने धरती पे भेजा था, कहाँ गुम हो गया, किस खुशी की तलाश में गुम हो गया। जब से पैदा हुआ ढूंढे ही जा रहा है, कल एकादशी है जिससे व्रत रखा जाए रखे, कोई जबरदस्ती नहीं, पर इट इज प्योर एंड प्योर साइंस। कल जो मून की दशा होती है उसमें हमारे शरीर में जो जल तत्व है वो ऐसी स्थिति में होता है कि हमें शरीर को हल्का रखेंगे तो शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी। अगर शरीर में खाना डालते हैं तो शरीर के अंदर उसके सारे ऑर्गन्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उतनी ताकत नहीं होती शरीर। इसलिए जो जितनी देर का रख पाए, कोई जबरदस्ती नहीं करनी, जो जितनी देर का रख पाए, 2 घंटे का, 4 घंटे का, 6 घंटे का, 10 घंटे का रखिए, पर गुरु को अर्पित करके रखिए। गुरु रख रही हूँ, ध्यान कहीं और लगाए रखना। अगर अपने आप को नहीं याद दिलाया ना कि भूखे हैं तो बिल्कुल भूख नहीं लगने वाली। और सुबह से घर में अगर अनाउंस करते रहे ना, आज मेरा व्रत है, आज मेरा व्रत है, तो शरीर मिनट मिनट में पानी और भोजन मांगे। कोशिश करें पानी ना पिए, पर गर्मी का समय है, 12 बजे तक ना पिए, 12 बजे के बाद पी लें। और कोशिश 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 कभी नाकामयाब होती नहीं, जिससे जैसा हो, क्योंकि 350 जने इस समय सुन रहे हैं, सबको एक कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। तो कोशिश करें, पर है ये प्योरली साइंटिफिक बेस्ड। हमारे शरीर की जो उस समय स्थिति है चंद्रमा के साथ, वो इस प्रकार की है कि मन जिस चीज में लगा देंगे 100 times वही रिजल्ट देगा। चिंता में लगा देंगे तो ज्यादा चिंता करेगा, साधना में लगा देंगे तो 100 times ज्यादा साधना करेगा।
शरीर को हल्का रखेंगे तो शरीर की सारी नाड़ियां और जो पुराने पुराने सेल जो सड़े हुए हैं जिनसे बीमारियां पैदा होती हैं वो सारे के सारे रिजुवनेट होकर खत्म हो जाएंगे, रिसाइकिल हो जाएंगे, सारी नाड़ियां शुद्ध हो जाएंगी। कर सकते हैं तो कर ले, देखेंगे ये माइग्रेन, ये थायराइड, ये बीपी, ये सब इन्हीं सारे जो ये हमारे सेल्स जिनको रिसाइकिल हम नहीं कर पाए उसी की वजह से है और कुछ भी वजह से नहीं। भाभी निर्जला, I mean no water. वही मैंने बोला, ये सबकी अपनी चॉइस है। okay. तो इसमें किसी को भी बांधेगा नहीं, बस जो भी करे ना प्रेम से करना, निष्काम भाव से करना। कुछ पाने के लिए अगर सुबह सुबह एक भिखारी को बैठा दिया भगवान के आगे, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत रख रही हूँ और हे भगवान बस एक ये बात अब पूरी कर देना, तो प्लीज मत रखना। वो बेचारा एक 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 पूरी करते करते थक गया, बोला अरे इसने तो 10th भी पढ़ी हुई है, कॉलेज भी पढ़ा हुआ है, सुना तो यही था कि गिनती सिखाते हैं पर ये एक से आगे बढ़ते ही नहीं कभी, बस एक ये पूरी कर देना, बस एक ये पूरी कर देना। पूरा होने का समय सामने खड़ा है और इसकी गिनती पूरी नहीं हो रही। ऐसा ना करें, गुरु को लजाए ना। ब्रह्म ज्ञान की साबुन से जो मन का मैल मिटाएगा, निर्मल मन के शीशे में वो आत्म दर्शन पाएगा। कल अपने अंदर बैठे ब्रह्म को खूब नहलाना धुलाना सफाई करना। जब शरीर हल्का होता है तो ब्रह्म बहुत जागृत होता है, नहीं तो उसको कभी इडली के नीचे, कभी सेब के नीचे, कभी फुलके के नीचे दबाए रखते हैं, पर वो हल्का रहेगा तो दर्शन दे पाएगा। एक जने को अनम्यूट करेंगे, निर्जला एनीबडी, कोई नए जने को। हाँ जी भाभी, बहुत लोगों ने आज भी वीडियोस बंद रखी हुई हैं, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, हमको वीडियोस ऑन रखनी है। जो लोग वीडियोस ऑन नहीं रख सकते वो प्लीज सेशन दोबारा अटेंड कर लें, दोबारा होगा सेशन। पर आप लोग को हीलिंग क्यों आप लोग मिस करना चाहते हैं, ऐसा ना करें। सबसे पहले तो आप सबको प्रणाम, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सबसे ज्यादा शुक्राना मेरी दीदी का जिन्होंने मुझे इस ग्रुप में ज्वाइन करवाया, मैं बहुत बड़ी मिस। अपने आप को कंट्रोल करिए, फोन को सामने करिए। कहाँ से बोल रहे हैं आप, कहाँ फिर से? गुजरात वापसी से बोल रही हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, शुक्राना जब से ज्वाइन किया हम अंदर एक शांति आ गई है, ठहराव आ गया। एक बहुत बड़ा चैलेंज लाइफ का अभी भी चल रहा है लेकिन उसको फेस कर रही हूँ और अंदर शांति सुकून महसूस होने लगा है। कब से ज्वाइन किया आपने? मैंने अप्रैल में ज्वाइन कर लिया था। okay. लेकिन बीच बीच में नहीं हो पा रहा था यहाँ। okay. वापी आने के बाद 17 मई को हम लोग आए थे, वी वर स्टक इन पंजाब इन लॉकडाउन, तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा है जो प्रॉब्लम आ रही है। आपके लिए ही शायद आज वो पेंटिंग की पिक्चर्स दिखाई हैं। हाँ जी, शायद स्वप्ना जी, गुड फैमिली इज गुड, नथिंग इज देयर, बट समवन थर्ड पर्सन इज देयर टू होम आई एम टू मच अटैच्ड एंड आई कांट अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो अभी ठहराव आ गया है, उनको प्रे करती हूँ, सोलर प्लेक्सस बंद करती हूँ, पिंक एनर्जी भेजती हूँ, धीरे धीरे सॉल्व हो रहा है। लेकिन अब मुझे सुकून आने लगा है कि जो है उसको एक्सेप्टेंस आने लगा है। आप सबके एक्सपीरियंस सुन ही रहे हो ना, सबके एक्सपीरियंसेस। हम लोग इसीलिए ज्यादा टाइम लगाते हैं एक्सपीरियंसेस पे कि अगर बाकी सबके साथ हो सकता है तो हमारे साथ भी हो सकता है। और हमें अपने ब्लेसिंग्स की तरफ ज्यादा ध्यान देना, जब भी कोई चैलेंज आए तो देखना कि हमारी लाइफ में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। कोरोना आए तो अपना कोई बात करना कि उसके दोनों हाथ नहीं है, मेरे दोनों हाथ हैं। हाँ जी, हाँ जी, मैं ब्लेसिंग्स लिखती हूँ रोज, अपनी शुक्राना भी लिखती हूँ।
वेरी नाइस, सब बढ़िया ही होगा है ना? जानते हैं, शुक्राना, हरिया, शुक्राना, 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 वेरी नाइस, सबके जीवन में अलग अलग प्रकार के इम्तिहान, अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस, हम जान ही नहीं सकते कि दूसरा किस पीड़ा में है, हमें हमेशा अपनी ही पीड़ा नजर आती है। थोड़ा सा बाहर निकलें, थोड़ा सा अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान दें, थोड़ा सा देखें कितने लोग हैं जो उनको रात का खाना भी नसीब नहीं होता, जिनको पता भी नहीं दिन में हमें कहाँ सोने को मिलेगा। कोविड में पता नहीं अचानक से किसकी फैमिली से कौन कहाँ कहाँ बिजनेस चैलेंजेस, कितना कुछ हुआ है। शुक्राना बहुत अनमोल गहना है, सुबह स्नान करते से लेकर रात के सोने तक बार बार शुक्राना का जल पीजिए, बार बार शुक्राने से नहाइए, बार बार शुक्राना भेजिए सब जगह। 24 घंटे हर एक सांस के साथ करेंगे तब भी जितनी ब्लेसिंग्स हमें हैं उसका एवज में कम ही रहेंगे वो शुक्राने। तो जाने प्रेम करें सबको और सबको शांति बांटे। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, ये बदलाता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। सीखा ना सबने कुछ कुछ, जीना सीख रहे हैं ना? अगर थोड़ा सा सीखते हैं तो पुण्य भी आ ही जाएगा। See magic in life every second, ये बतलाता है। ज्ञान हमें जगाता है, जीना सिखलाता है। See magic in life every second, ये बतलाता है। हमने कहा सब लोगों में प्रॉब्लम बड़ी है, गुरु आया जीवन में अब लगे सरल है। कितना सरल कर दिया गुरु ने जीवन, जो सब में प्रॉब्लम नजर आती थी, बोला कुछ भी नहीं है, तेरे मन का दर्पण साफ कर। दर्पण को ये चमकाता है और ज्ञान जगाता है। सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकेंड, हमें बताता है, हमें बताता है। आज फिर वही होमवर्क है, आज बाथरूम में नहीं अपने ड्रेसिंग रूम में ही खड़े होके बोलना है। और थोड़े दिन में बारी आ जाएगी, सुबह उठते ही सबको बोलेंगे लुक हियर, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन इन योर होम, द मोस्ट यूनिकली डिजाइंड पर्सन ऑफ दिस यूनिवर्स इज लिविंग इन योर हाउस। क्या कभी तुमने सोचा था तुम लोग इतने लकी हो? बस दूर नहीं है वो समय, अपने आप को प्रेम करना है और सबको माफ करना है, बस यही एक रास्ता है। और किसी बीमारी को अपने मन पर ओढ़ने नहीं देना, नहीं एक्सेप्ट करना। कोई तकलीफ आए बोलना यू हैव कम टू द रॉन्ग एड्रेस, चलो थोड़े दिन रह जाओ कोई बात नहीं, खाना पीना खिला देंगे, बट यू हैव टू इवेंचुअली लीव। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड। आप सबके अंदर बैठे गुरु को सहस्त्र कोटि प्रणाम। मेरा सबका मंगल, सबका कल्याण। यंगस्टर्स को मोटिवेट करें, सैटरडे को सेशन है, जो भी आना चाहे, एनीबॉडी इज मोस्ट वेलकम। बट सेशन 40 मिनट्स का होगा, टाइमिंग्स एंजल्स डाल देंगे, तो हम 40 मिनट से ऊपर यंगस्टर्स को नहीं दे पाएंगे, एंड आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ फॉर देम। सो शुक्राना, शुक्राना।